फ्रेंड्स, दिस इज़ माई रियल हेयर। मेरे बाल देखिए आप कितने सुंदर और चमकीले हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। आपको लग रहा है ना कि मैं पार्लर जा कर के कैरेटिन ट्रीटमेंट करवाती हूँ। बहुत सारे लोगों के ऐसे कमेंट्स आते हैं मेरे वीडियो के ऊपर, लेकिन मैं दोस्तों उन सभी लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि ये मेरा रियल हेयर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, मुझे मेरे बाल बहुत पसंद है। अब दोस्तों, अब लोगों के ये भी कमेंट्स होते हैं कि आप अपने बालों में क्या चीज़ें ऐसे लगाते हैं जिससे आपके बाल इतने सुंदर होते हैं। तो दोस्तों, मैं उन लोगों के लिए आज एक बहुत ही इजी और सिंपल सा वीडियो लेकर के आई हूँ, जिसको आप ट्राई करोगे तो बालों का जो स्प्लिटेंस भी ख़त्म होगा, बाल नेचुरली बहुत ही बढ़िया कलरफुल दिखेंगे। जब भी आप धूप में निकलोगे तो बालों में लगेगा आप कोई कलर लगाया है। तो दोस्तों, बिल्कुल नेचुरल सा कलर रहेगा, बिना आपका बाल ख़राब हुए, बिना आपके बालों का जो अक्सर जो होता है कलर, आप जब लगाते हो बालों में डाई लगाते हो तो बाल बहुत ही ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं, बेजान हो जाते हैं, तो वैसे नहीं होंगे। आपके बाल बहुत ही सुंदर भी होंगे, साथ के साथ ही बाल बहुत ही ज़्यादा मजबूत होंगे दोस्तों, और बालों की जो टूटने झड़ने की रफ़्तार है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। यानी हर तरीके से आपका बाल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होगा इस रेमेडी को लगा करके। और आपके बालों को जब आप इस्तेमाल करने लगोगे तो आपके बालों को भी लोग ज़रूर तारीफ़ करेंगे और आपको ज़रूर बोलेंगे क्या बिग लगाई हो, क्या आपके रियल हेयर है। मतलब ऐसे कमेंट्स आपको सुनने को मिल सकते हैं जैसे कि मुझे मिलते हैं। रियल में दोस्तों, ये मेरा रियल हेयर है और बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि मैं मेरे बाल पर बहुत ही ज़्यादा देखभाल करती हूँ। मेरे बालों की हमेशा होम रेमेडीज ट्राई करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ, चाहे वो हेयर ऑयल हो, हेयर सीरम हो, हेयर शैम्पू हो, सभी के सभी मैं घर पे बना करके बालों की यूज़ करती हूँ। तो दोस्तों, उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए भी लेकर के आई हूँ बहुत ही बेस्ट हेयर रेमेडी, जिसको अगर आप ट्राई करोगे तो आपके बाल बहुत ही सुंदर होंगे। तो चलिए, ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेमेडी, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, आज के इस होम रेमेडी को बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है चाय का पत्ती। अक्सर दोस्तों, चाय का पत्ती सबके घर में होता है, ऑलमोस्ट होता ही होता है, क्योंकि सभी लोग चाय पीते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि चाय का पत्ती में बहुत ही बढ़िया नेचुरल कलर होता है? वो ऑब्वियसली आपको पता होगा, क्योंकि आप चाय पीते हैं तो आपको पता होगा कि चाय जो है, चाय की पत्ती की वजह से ही इसका कलर चेंज होता है और चाय बहुत ही ज़्यादा अच्छा और टेस्टी लगता है। उसी प्रकार दोस्तों, चाय में जो नेचुरल कलर होता है उससे आप अपने बालों को बहुत ही नेचुरली कलर कर सकते हैं, नेचुरल कलर प्रदान कर सकते हैं। अगर आपके बाल ग्रे हो रहे हैं, सफ़ेद हो रहे हैं, तो उसको भी कवर कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया गुण होता है ये चाय के पत्ते का, नेचुरल कलर होता है। अगर आप बाहर से डाई कराते हो तो बाल बहुत ही ज़्यादा रफ और ख़राब हो जाते हैं, मतलब बेजान हो जाते हैं, और ग्रोथ भी बिल्कुल भी नहीं होती है। तो आप नेचुरल कलर ऐड करना चाहते हो अपने बालों में तो चाय का पत्ती बेस्ट होता है बालों में नेचुरल कलर ऐड करने के लिए, और बाल बहुत ही ज़्यादा शाइनियर भी होता है, बिल्कुल लगे कि आपने कुछ इसमें कलर लगाया है। तो ऐसे बाल अगर आप पाना चाहते तो चाय पत्ती का इस्तेमाल आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, बहुत ही बढ़िया होता है। मैं हमेशा यूज़ करती रहती हूँ, इसलिए मेरे बाल बहुत ही सुंदर कलर में दिखते रहते हैं। दोस्तों, जब भी आप धूप में निकलोगे तो बहुत ही बढ़िया सा कलर दिखेगा। अब क्या करना है आपको, इस चाय पत्ती को लेकर के एक बर्तन में रखना है, एक चम्मच डेढ़ चम्मच ले सकते हैं, और फिर उसमें आप एक गिलास पानी डाल देना है। एक गिलास पानी डाल के इन सभी चीज़ों को, यानी कि चाय पत्ती और पानी को, आपको जैसे चाय उबालते हैं तो उसी प्रकार से इसके पानी को क्या है उबालना है, तो नेचुरल कलर आएगा आपका। कुछ ही देर में देखिएगा कि बहुत ही बढ़िया जो है चाय पत्ती ने अपना कलर छोड़ दिया हुआ, नेचुरल जो उसका कलर होता है, गुडनेस होता है, यानी चाय पत्ती का जो गुडनेस है उसका कलर ही होता है मेन। तो उस चाय पत्ती को जब आप खुलाओगे 5 से 6 मिनट तक, ज़्यादा नहीं, इतना देर में बहुत ही बढ़िया नेचुरल कलर आ जाएगा और ये चाय पत्ती बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, यानी इस पानी जो है बहुत ही बढ़िया कलरफुल हो जाएगा। आप देखिए कितना नेचुरल कलर है ना, तो इसमें किसी तरह का कोई मिलावट है, कुछ भी मिलावट नहीं, तो ये बिल्कुल भी आपके बालों को हार्म नहीं करेगा, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं करेगा। लोग जो कहते हैं हार्म होता है चाय पत्ती यूज़ करना, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है दोस्तों, आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए। अब दोस्तों, इसमें आप ऐड कर सकते हैं इस पानी में एलोवेरा जेल। दोस्तों, नेचुरल एलोवेरा, ये मैंने काजमा का एलोवेरा जेल लिया, जो कि बेस्ट एलोवेरा जेल है, मैं अक्सर इसको यूज़ करती हूँ। बिल्कुल नेचुरल दिखता है, ट्रांसपेरेंट है, कलर बिल्कुल इसमें किसी तरह कोई कलर नहीं है, कोई फ्रेगनेंस नहीं है, किसी तरह का कोई इसमें अमोनिया जो होता है अक्सर मिक्स होता है वो सभी चीज़ें नहीं है, तो इस वजह से बहुत ही नेचुरली ये जो है बाल के लिए कोई हार्मफुल नहीं होता, किसी तरह कोई हार्म नहीं होता है, तो इसलिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है पानी को हल्का सा ठंडा करने के बाद जो है आपको एक चम्मच चाय जो आपने एलोवेरा जेल लिया है वो ऐड कर लीजिए, एक चम्मच या दो चम्मच। अब एलोवेरा जेल आपके बालों में नेचुरली जो है कंडीशनिंग का काम करता है, आपके बालों के ऊपर एक लेयर बैठा देता है, जिससे बाल में नेचुरल कलर भी ऐड होता है, साथ के साथ आपके बाल कंडीशनर जैसे नेचुरल कंडीशनर का काम करता है, स्मूथ होता है बाल,
और स्प्लिट एंड्स बाल डैमेज बाल को रिपेयर करता है। तो आपको एक से डेढ़ चम्मच एलोवेरा जेल ऐड कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको लेना है शैम्पू, आपका जो भी फेवरेट शैम्पू है, आप जो भी बालों में शैम्पू यूज़ करते हैं, ज़रूरी नहीं कि मैं जो लिख रही हूँ, मैं जो बता रही हूँ वही लेना है आपको। आप अपने बालों के हिसाब से जो भी आप यूज़ करते वो शैम्पू ले करके, मैंने यहाँ पर पाउच वाला शैम्पू लिया है क्योंकि मैं वीडियोस बनाती रहती हूँ और ज़्यादा बालों में शैम्पू यूज़ भी नहीं करना है, तो अपने बालों को जितना हमें अच्छे से शैम्पू होके वॉश हो जाए उतना शैम्पू ऐड करना है। तो एक पाउच या फिर दो पाउच अपने बालों की लेंथ के हिसाब से और बालों के वॉल्यूम के हिसाब से ले ले शैम्पू और फिर उसको मिक्स कर ले दोस्तों। देखिएगा बहुत ही बेहतरीन आपका एक बहुत ही बढ़िया सा शैम्पू रेडी हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया हेयर वॉश रेडी हो जाएगा। वैसे भी लोग बहुत कहते हैं कि शैम्पू को कभी डायरेक्टली अपने बालों के स्कैल्प पे नहीं लगाना चाहिए, इससे बाल ख़राब होते हैं। तो आपको इस तरीके से DIY बना करके भी आपके बालों में यूज़ करिए तो बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। अब दोस्तों शैम्पू तो हमने बना लिया है, इसको आपको यूज़ कैसे करना है बहुत ईजी है। नॉर्मली जैसे भी आप शैम्पू करते अपने बालों को वॉश करते हैं वैसे कीजिए नहाने के टाइम पे। आप चाहें तो नहाने के कुछ टाइम पहले भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं बालों के स्कैल्प पे। बहुत लोग बोलते हैं बालों के स्कैल्प पे शैम्पू बहुत देर नहीं लगाना चाहिए, पता नहीं, मुझे नहीं पता, पर मैं इस वाले रेमेडी को मैं यूज़ करती हूँ तो मैं मेरे बालों पे इसको रखती हूँ ताकि जो चाय पत्ती है वो अपना कलर थोड़ा सा बालों में डाले और फिर बाल बहुत ही सुंदर हो। तो आप ये कर सकते हैं, मैं करती हूँ, मुझे कोई नुकसान नहीं होता है इसलिए मैं आपके साथ भी यही शेयर कर रही हूँ, तो आप भी करिए दोस्तों। अब दोस्तों बालों को शैम्पू करने के टाइम पे आपको कुछ देर रख के भी कर सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। अब दोस्तों बहुत सारे लोग बोलते हैं इसका रिज़ल्ट नहीं मिलता है, तो दोस्तों मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि आपको एक बार के इस्तेमाल से रिज़ल्ट नहीं दिखेगा। कोई भी चीज़ को करने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस रखिए, थोड़ा डिसिप्लिन वे में यूज़ कीजिए और साथ के साथ ही आप पॉजिटिव सोचते हुए यूज़ कीजिए। कोई भी रेमेडी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा 110%, जो काम आप पॉजिटिव वे में करिएगा वो उसका रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा फ्रेंड्स, ये मैं आपको बताती हूँ। तो जो भी शैम्पू, जो भी रेमेडी, जो भी तेल आप लगाओ बालों में, आप सोचो कि इसका रिज़ल्ट मिलेगा, आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगी कि जो भी रेमेडी आप बनाते हैं उसको अच्छे से सोचिए समझिए और टाइम दीजिए थोड़ा सा और उसको अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। पहले आप समझिए कि क्या है, कैसे इसको यूज़ करना है, कितने टाइम तक यूज़ करना है जिसका रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आप इसको अच्छे से समझ लोगे और कुछ टाइम दोगे, थोड़ा पेशेंस रखोगे, 110% रिज़ल्ट मिलेगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या है ना, शैम्पू को आपको मैं यहाँ पे तो मैंने बताया आपको कुछ देर, मतलब लगभग 15-20 मिनट तक बालों में लगा करके रखती हूँ, फिर नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेती हूँ। दोस्तों रिज़ल्ट बहुत ही बेहतरीन मिलते हैं मुझे, और एक बार के यूज़ से ऐसा रिज़ल्ट नहीं मिला है मुझे। मैंने इसके लिए बहुत ही टाइम तपस्या किया है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती हूँ अपने बालों पे, तब जाके मेरे बाल इतने सुंदर और खूबसूरत होते हैं। तो आप भी कर सकते हैं मेरे जैसे खूबसूरत सुंदर सिल्की शाइनी बाल, आपके बाल भी बहुत ही ज़्यादा चमकदार, बिल्कुल लगेगा कि आप केराटिन ट्रीटमेंट करवा करके अपने मतलब पार्लर से आ रही हो, ऐसा आपको फील होगा। इसके लिए आपको बालों को थोड़ा सा अच्छे से देखभाल करने की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा डिसिप्लिन वे में यूज़ करना पड़ेगा। टाइम दीजिए, पेशेंस रखिए और इसके साथ साथ ही आपको पॉजिटिव वे में सोचते हुए लगाना है दोस्तों, रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही बेहतरीन नुस्खा मैंने आपके साथ शेयर किया है, बहुत ही ईजी भी है, तो ट्राई कीजिए। और अगर आपको लगे कि इसका रिज़ल्ट आपको अच्छा लग रहा है तो फीडबैक ज़रूर दीजिए कमेंट्स करके। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।